everyone

हर एक चीज उन्होंने बहुत डिटेल में बताई है अबाउट दिस प्लेस तो अगर आप कभी भी काठमांडू घूमने नहीं गए हो तो डेफिनेटली आपको एक वाइडर पिक्चर मिलने वाला है ऑफ दिस प्लेस विच वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इन दिस चैप्टर तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर दैट इज विक्रम सेठ एंड देन हम देखेंगे कि ओवरऑल यू नो ये है क्या चैप्टर क्या है इनकी बुक का नाम जिसमें से ये पार्ट लिया गया है एंड एग्जैक्टली exactly हम क्या जान पाएंगे काठमांडू के बारे में इन दिस

Poet. तो ये जो है इंडियन है फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी बात ये लिखते हैं बहुत हैं बहुत फेमस की अकेडमी अवार्ड प्रावसी भारतीय सम्मान डब्ल्यू एच स्मिथ लिटरी अवार्ड एंड क्रॉस वर्ल्ड बुक अवार्ड तो जितने भी मेजरली बहुत वेल नोन अवर्ड्स होते हैं इन लिटरेचर नोवेल्स राइटिंग पोइट्री राइटिंग इन सब में ये सारे सारे वर्ड्स जो है उनको मिल चुके हैं सो वी आर फॉर्चूनेट इनफ कि हम जो है इनकी वन ऑफ द स्टोरीज या वन ऑफ द राइटिंग्स जो है वो पढ़ पाएंगे इन दिस चैप्टर नाउ द ओवरऑल एक जो व्यू है कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं लेट्स डिस्कस दैट सो द राइटर विक्रम सेठ केम फ्रॉम चाइना टू इंडिया हिज हाइकिंग वाया तिब्बत एंड नेपाल एंड रोट अबाउट इट इन हिज बुक टाइटल्ड वन लेक तो ये जो राइटर हैं विक्रम सेठ वो चाइना से इंडिया आए थे ठीक है और ये कैसे आए हैं हिच हाइकिंग हिच हाइकिंग का मतलब क्या होता है

बिफोर यू रीड में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है डू यू लाइक ट्रैवलिंग? आई इफ हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन आई लव ट्रैवलिंग बिकॉज

वो ट्रैवल करते हैं डिफरेंट लोगों से मिलते हैं या फिर उनकी जॉब ऐसी होती है जहां पर डिफरेंट लोगों से बातचीत करने को मिले तो फिर वो खुल के बाहर आते हैं और फिर सडनली इंट्रो से वो एक्स्ट्रो में चेंज हो जाते हैं एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग क्योंकि पीपल स्किल आपकी जो है वो बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत जरूरी है इंप्रूव करना और वो इसी तरीके से धीरे धीरे इंप्रूव होती है सेकंडली जब आप ट्रैवल करते हो ऑब्वियसली आपको डिफरेंट जगह के बारे में बहुत कुछ पता चलता है यू गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस यू गेट टू नो अबाउट डिफरेंट आर्किटेक्चर अगर आप बहुत ज्यादा यू नो इंटरेस्टेड

तो उनकी बहुत बड़ी जर्नी रही है चाइना से इंडिया जाने की और ये जो जर्नी है इसके बीच में वो तिब्बत और नेपाल से होते हुए गुजरते हैं एंड वहाँ पर जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वही उन्होंने अपनी बुक हेवन लेक में मेंशन में किया है और इसी में से एक एक्सर्प्ट एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे वेयर वी विल सी द एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर वेन ही विजिटेड द प्लेस दैट इज काठमांडू नाउ हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ मदुराई सांची वाराणसी सारनाथ और हालविल

वहां की सराउंडिंग्स कैसी हैं? देखो बेसिकली जब हम किसी टेंपल में जाते हैं तो बाहर हमको क्या देखने को मिलता है कभी कभी कुछ शॉप्स होती हैं जहां पे आपको यू नो फ्लावर्स मिलते हैं आपको स्टिक्स, अगरबत्ती वगैरह मिल जाती है आपको डिफरेंट भगवान को चढ़ाने के लिए नारियल हो गया प्रसाद हो गया इन सबकी शॉप्स जो है देखने को मिलती है गार्लें मिलते हैं मालाएं मिलती हैं ऑल्सो कुछ आपको जहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं बेग फॉर देयर डेली पे आपको बेगर्स दिख जाएंगे शराबा भी दिखता है, कभी -कभी ऐसे होते है तो जिस दिन भीड़ होती है लोग होते हैं तो ये सारे डिफरेंट सीनारियों आपको देखने को मिलते हैं होली प्लेसिस के तरह अगर आप ऐसे कोई मंदिर जाते हो जहां पर आपको एनिमल्स देखने को मिल जाए जैसे मंकीज बहुत ज्यादा वाइडली दिख जाते हैं जगह पे तो वो भी क्या है एक सॉर्ट ऑफ सीनारियो है जो की आपकी सिटी में कैसे डिफर कर सकता है Definitely mention your ideas here if you feel like writing it. Clear? Think about it as you read Vikram Seth's description of.

सेठ तो आप राइटर बोल लो नरेटर बोल लो ऑथर बोल लो बात किसकी हो रही है विक्रम सेठ की कि ही इज़ द वन जो ये पूरी स्टोरी आपको बता रहे हैं तो यहां पर ये बोल रहे हैं वो कि आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ तो जब जैसे ही पहुंचे हैं यहाँ काठमांडू में वहां पे सेंटर ऑफ टाउन यानी बीचों बीच जो पूरा जगह है वहां पर उन्होंने क्या लिया है एक रूम लिया है रेंट पे वेर इज गोइंग टू स्टे एंड दैट्स अ चीप रूम क्योंकि उनको सिर्फ रहने के लिए जगह चाहिए थी तो उन्होंने ज्यादा मनी स्पेंड करने का यहाँ नहीं सोचा एंड स्लीप फॉर आवर्स और वो बहुत घंटों तक वहां सोए हैं उन्होंने आराम किया है बिकॉज वो ट्रैवल करके आए हैं और वो जो एग्जॉशन होता है वो जो एक टायर्डनेस होती है ट्रैवलिंग के बाद वो आपको पता ही है जब तक हम बहुत घंटों तक सोना लें हम अच्छा फील नहीं करते

यहाँ ये लोग वहां रहते हैं जिन्हें ये जानते थे और वी डोंट नो अबाउट इट बट यहां उन्होंने क्या बोला है कि मिस्टर शाह के बेटे और उनके जो नेफ्यू थे उनके साथ वो कहाँ गए नेक्स्ट मॉर्निंग दो टेम्पल्स विजिट करने दो मंदिर विजिट करने जो कि कहाँ है काठमांडू में

करने जा रहे हैं मिस्टर शाह के बेटे और नेफ्यू के साथ क्लियर ऑल राइट एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली अब यहां उन्होंने बोला ना कि वो दो टेम्पल्स जा रहे हैं दोनों टेम्पल्स जो हैं एक टेम्पल है सेक्रेट फॉर हिंदूज वो टेम्पल कौन सा है पशुपतिनाथ और ये टेम्पल का नाम है गेस आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने सुना होगा क्लियर अब इस टेम्पल के बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जो प्रोक्लेम करता है यानी कि मेक नोन पब्लिकली और ऑफिशियली यानी इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ताकि वहां जितने भी लोग एंटर हो रहे हैं उनको क्लियरली मैसेज कन्वे हो जाए और क्या लिखा है एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली कि उस टेम्पल में जो हिंदूज हैं वही एंटर कर सकते हैं और कोई एंटर नहीं कर सकता ऐसा उस बोर्ड पे लिखा है जब पोइट ने सॉरी जब ऑथर ने यहाँ विजिट किया होगा वो तब के टाइम का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि तब ऐसा ऐसा बोर्ड पे लिखा था देर इज एन एटमोसफेयर ऑफ फिबराइल कंफ्यूजन और वो बोलते हैं कि यहां पर एक ऐसा एटमोसफेयर ऐसा मतलब एक बहुत कॉमनली देखने को मिलता है तो यहां क्योंकि देखो वहां के लोग तो जाते हैं डिफरेंट विजिटर्स आते हैं फ्रॉम इंडिया एंड ऑल्सो पीपल कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फॉरन कंट्रीज से भी नो you फॉरनर्स know, आते, आते हैं टूरिस्ट आते हैं बिकॉज दे लव टू सी दीज प्लेसिस टेम्पल्स उनको बहुत अच्छा लगता है हिस्ट्री और यू you नो know, एक सॉर्ट sort ऑफ of जो एक सिनारी होता है इंडिया के टेम्पल्स में वो देखना उनको बहुत पसंद है तो बहुत से लोग आते हैं आपको जाता है, बहुत भीड़ होती बहुत शोर होता है तो उसे कहा गया है एटमोस्फेयर ऑफ फिबराइल कंफ्यूजन यानी सब बहुत जल्दी जल्दी में है प्रीस्ट हॉकर्स डिवोटीज टूरिस्ट काउस रोम थ्रू द ग्राउंड अब क्यों लग रहा है क्योंकि बहुत सी चीजें हैं वहां पे नंबर वन ऑब्वियसली टेंपल है तो प्रीस तो होंगे पुजारी तो होंगे जो भी रिलीजियस हेड होते हैं वहां के देन आपको हॉकर्स दिख जाएंगे हॉकर्स क्या होते हैं जो यू you नो know, अपना सामान ऐसे चलते फिरते बेचते हैं जैसे अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो ट्रेन में नहीं जैसी ट्रेन रुकती है हॉल्ट आता है स्टेशन आता है तो वहां पर बहुत से लोग चढ़ जाते हैं ट्रेन में चाय बेचते हैं डिफरेंट चीजें बेचते हैं कुछ की रिंग्स बेच रहे होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हॉकर यानी जो चिल्ला चिल्ला के अपनी चीजों को बेचते हैं दुकानदार उन्हें कहा जाता है हॉकर्स

देख सकते हो डॉग्स देख सकते हो जो कि बिल्कुल एज ए रोम कर रहे हैं घूम रहे हैं ग्राउंड पे इन टेंपल के इधर We offer a few Ab अगर आप टेम्पल जाते हो तो आप फ्लावर्स लेकर जरूर जाते हो फ्लावर्स नारियल यानी कोकोनट ये सब चीजें जरूर लेके जाते हैं बहुत नॉर्मल है ये कॉमन चीजें हैं ठीक है ठीके? तो वो भी क्या करते हैं उन्होंने भी कुछ फ्लावर्स यानी कि जो फूल है वो भगवान को चढ़ाए There are so many वर्शिपर्स that some people trying to get the priest attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. अब ये जो है कॉमनली बहुत देखा जाता है इवन आई हैव एक्सपीरियंस दिस व्हेन आई विजिट डिफरेंट टेंपल्स मैंने भी ये बहुत एक्सपीरियंस किया है एंड यू गाइस हैव आल्सो एक्सपीरियंस दिस कि जब भी ऐसा होता है ना कि सॉर्ट ऑफ अगर लाइन लग रही है क्यों आप दर्शन कर रहे हो आप प्रसाद चढ़ा रहे हो तो कुछ लोग होते हैं जिनको नो प्रीस्ट का अटेंशन चाहिए होता है यानी कि पुजारी से बात करनी होती है या फिर उनको चाहिए होता है कि हमें टाइम मिले हम प्रॉपरली दर्शन कर लें तो होता क्या है जो पीछे के लोग होते हैं वो अपनी कोनी से या एल्बो से साइड करते हैं लोगों को कि हटो हमें आगे आना है तो ऐसे ही इतनी जल्दीबाजी में दर्शन होते हैं टाइम ही नहीं मिलता है बस एकदम से फ्लाश देते हो प्रसाद देते हो पंडित चढ़ाते हैं आपको वापस करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसा चलता है राइट तो वही पूरा एक्सपीरियंस है किसका ऑथर का यहाँ पर कि कुछ लोग थे बहुत ऐसे वर्शिपर्स थे बहुत से ऐसे यू नो लोग थे जो दर्शन आराम से करना चाहते हैं तो, ये पूरा चल रहा है। तो एक चीज तो यहां देखने को मिल रही है कि विक्रम सेठ ने सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख दिया है नो ऐसा, ऐसा हुआ बल्कि वो इतनी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब करें हम इमेजिनेशन में जा सकते हैं हम सॉर्ट ऑफ एक इमेज फॉर्म कर सकते हैं हाँ भाई हम टेम्पल गए हैं वहां पर ऐसे इतने सारे लोग हैं इतनी ज्यादा जल्दबाजी है बोर्ड लगा हुआ है लिखा हुआ है एंट्री ओनली फॉर हिंदूज देन वहां पे यू you नो know, किस तरीके से लोग खड़े हैं दर्शन कर रहे हैं बाकी लोग उनको हटा रहे हैं तो बहुत अच्छे से इनकी राइटिंग दिख रही है हमको दैट्स वाई ही हैज बीन अवॉर्डेड विथ सो मेनी डिफरेंट प्रेस्टिजियस अवार्ड क्लियर ऑल A princess of Nepal's royal house appears. Everyone bows and makes way.

तो कुछ फॉरेनर्स होंगे जो प्रॉपरली वहीं के ड्रेसअप करके आते हैं जो कि इस तरीके के कपड़े होते हैं ना इसको कह रहे हैं कि सैफरिन क्लैड वेस्टर्नर्स क्योंकि क्या है ये फॉरेनर्स हैं तो वेस्टर्नर्स और क्योंकि इन्होंने क्या पहना है जो पुजारी के कपड़े होते हैं जो सैफरिन प्योर जो माना जाता है ना एक बहुत अच्छा कलर माना जाता है तो ये कपड़े पहन के वो वहां पर खड़े हैं एंड दे आर काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग टू गेट परमिशन कि हमें भी एंट्री दी जाए इस टेम्पल में द पुलिस मैन इज नॉट कन्विस्ट दैट दे आर द हिंदूज ओनली हिंदू टू एंटर द टेम्पल अब हमें पता है कि इस टेम्पल के बाहर अभी क्या बोर्ड लगा हुआ है कि सिर्फ हिंदूज को परमिशन मिलेगी तो पुलिस मैन जो है वहां पर जो सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए हैं किसको एंट्री देनी है किसको नहीं देनी है तो ऑब्वियसली वो बोल रहे हैं कि ये लोग क्या है हिंदूज नहीं है क्योंकि ये क्या है फॉरिनर्स हैं वेस्टर्नर्स हैं तो वो इनको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं अंदर आने के लिए कि नहीं भाई सिर्फ परमिशन किसको मिलती है हिंदूज को मिलती है तो आप लोग एंटर नहीं कर सकते हो क्लियर ऑल राइट

कि जब भी हम ऐसे टेम्पल्स में जाते हैं जहां मंकीज बहुत होते हैं क्योंकि उनको पता होता है ना कि हम बहुत टूरिस्ट आएंगे हम वो खाना खाने को देंगे कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ में चीजें होती तो वो लेकर भाग जाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहना पड़ता है ऐसी जगहों पर तो यहाँ पे वो एक सीनारियो एक्सप्लेन कर रहे हैं जहाँ पे दो मंकीज की लड़ाई हो गई है सी की एग्जैक्टली क्या हो रहा है तो बोल रहे हैं कि दो बंदरों की दो मंकीज की क्या हो रही है लड़ाई हो रही है फाइट ब्रेक्स बिटवीन वन अदर एक जो है वो दूसरे को फॉलो कर रहा है उसको यू नो परस्यू करने की कोशिश कर रहा है उसके पीछे भाग रहा है

कि ये डिफरेंट बैंक्स पे अगर आपको देखने को मिले कि बहुत से लोग यू नो जिनकी अनफॉर्चुनेटली क्रीमेशन भी चल रहा होता है on the banks of the river. अब क्या है अब क्या तो जो भी यू you नो know, एक आ, पूरे rules follow होते हैं जिस तरीके से यू you नो know, क्रीमेशन किया जाता है एक पर्सन का हिंदूस में वो सारी चीजें जो है देखने को मिल रही है किसको यहाँ ऑथर को सेकेंडली वो क्या देख सकते हैं वॉशर वुमेन आर एट वर्क और जो यू you नो know, कपड़े धोते हैं जो धोबी हैं वो

जहां से एक बास्केट में ये फ्लावर्स ये लीव्स जो कि ऑफरिंग्स थी यानी किसी ने भेंट चढ़ाई थी भगवान को चढ़ाए थे ये फूल वो सारे जो फूल हैं जो फ्लावर्स हैं अब क्या हो गए विल्टेड यानी यानी ड्राई एंड बहुत सूख चुके हैं और अब वो खराब हो गए तो उनको वो क्या कर रहे हैं वो रिवर में फेंक रहे हैं जो भी बालकनी के बाहर खड़े हुए हैं या खड़ी हुई हैं वो एक बास्केट में ये सारे ओल्ड ऑफरिंग्स जो है फ्लावर्स और लीव्स उसको रिवर में ड्रॉप कर रहे हैं बिकॉज अब वो ड्राई हो गए और अब वो यूज के नहीं है तो सॉर्ट ऑफ एक पूरा सिनारियो उन्होंने दिखाया है कैसे दो मंकीज का सिनारियो फिर क्या क्या हो रहा है ऑन बैंक्स ऑफ द रिवर और फिर एक घर की बालकनी से किस तरीके से वो फूल ड्रॉप कर रहे हैं रिवर ये सारी चीजें बताई गई है क्लियर ऑल राइट अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक अब वो बोल रहे हैं जो रिवर बैंक है वहां पर एक स्मॉल श्राइन है श्राइन का मतलब क्या होता है अ प्लेस ऑफ वर्शिप यानी छोटी छोटी जगह बनी होती है ना भोग की जहां पे मंदिर होते हैं या या स्पेसिफिकली एक एक आइडल की मूर्ति होती है जहां पे आप जाके पूजा पाठ कर सकते हो तो वो एक यही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कि ये जो बैंक रिवर बैंक है वहां से एक छोटा सा श्राइन जो इट्स हाफ प्रोट्रूज हाफ प्रोट्रूज यानी कि कम्स आउट यानी आधा ही नो वो श्राइन बाहर आया है बाकी वो दीवार के अंदर ही है फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक और वो क्या है वो पत्थर का प्लेटफॉर्म है स्टोन प्लेटफॉर्म है और वहां से ये जो श्राइन है जो जगह है जहां पर आप पूजा पाठ कर सकते हो वो सिर्फ आधी ही प्रोट्रूट हो रही है बाहर आ रही है When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of Kali Yuga will end on earth. अब ऐसा माना जाता है कि ये श्राइन के अंदर जो है किसकी मूर्ति है या आइडल है एक गॉडेस की एक भगवान की एक माता की ठीक है तो ये जो है आइडल वो यहाँ पर वो आधा ही प्रोच्यूड हो रहा है ये श्राइन बट बाकी का जब यू नो बाहर आ जाएगा यानी ऐसा माना जाता है जब ये श्राइन जो है वो होगा बाहर आएगा तो फिर क्या होगा द विल एस्केप तो जो अंदर भगवान बैठी हुई हैं वो जो है वहां से escape वहां से से एस्केप हो हो जाएंगी जाएंगी गायब एंड द इवन पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन अर्थ कलियुग का क्या मतलब होता है इट इज द फोर्थ एंड लास्ट स्टेज और टाइम पीरियड ऑफ अ महायुग इट स्टार्टेड विद द एंड ऑफ महाभारत वेन लॉर्ड कृष्णा लेफ्ट द अर्थ तो अगर आपने महाभारत हो हो या फिर आपने नाम ही कलयुग इसका मानना है कि कि जब महाभारत की एंड हुई थी लॉर्ड कृष्णा जो जो है 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 वो 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 अर्थ को छोड़कर चले गए थे तब से से स्टार्ट हुआ था कलयुग पे बहुत पाप और ये सब होगा ऐसा कहा जाता है। तो यहां कहा जाता तो गया है कि जैसे ही वो श्राइन जो है, वो पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी,

काठमांडू, so बट इसे कंपेयर कर रहे हैं वो पशुपतिनाथ से तो वो बोलते हैं कि ये क्या है यहाँ पर एक सेंस ऑफ स्टिलनेस है इतना ज्यादा हरी नहीं है हरीनेस नहीं हरिडनेस नहीं है जैसे कि उन्होंने पशुपतिनाथ में लोगों को इतनी जल्दी थी वैसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है इट्स इमेंस वाइन डोम इज रिंगड बाय अ रोड अब वो बोलते हैं कि इस टेम्पल का एक बहुत बड़ा डोम है इसे कहते हैं डोम शेप और ये डोम शेप जो है फिर यहां देखो एक रोड बना हुआ है पीछे से यानी कि इस तरीके से वॉक कर सकते हैं यहां पे भी ऐसे वॉक कर सकते हैं तो ये जो डोम शेप है इट्स रिंग्ड पूरा गोल बना हुआ है और एक रोड है बिकॉज पीपल कैन वॉक अराउंड इट क्लियर स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज अब ये जो बौद्धनाथ स्तूप है यहाँ पर जो आउटर एज है जो बाहर का पार्ट है यहाँ का वहां पर क्या दिखते हैं छोटी मोटी जो शॉप्स है वो देखने को मिल जाती है अब टेम्पल्स के अंदर जाओ और आपको शॉप ना दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता तो वहां पर स्मॉल शॉप भी आपको दिख जाएंगी मेनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाई तिबितेंट्स फेल्टिबित प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट है अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ जो शॉप्स है वो किनकी है वो है लिमिटेड इमिग्रेंट्स की यानी कि जो टिबित होते हैं लोग वहां पर उन्होंने शॉप्स खोल के रखी हैं तो आपको टिबितिन जो यू नो चीजें हैं वो देखने को मिल जाएंगी आप वहां से शॉप कर सकते हो सो यू कैन गेट दी बैग यू कैन गेट दी प्रिंट्स देन सिल्वर ज्वेलरीज ये सब चीजें जो टिबित में बहुत फेमस है वो सारी चीजें आप यहाँ से खरीद सकते हो देर आर नो क्राउड दिस इज अवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड तो यहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं है बहुत शांति है कोई क्राउड नहीं है कोई भीड़ नहीं है जैसे पशुपतिनाथ में थी और ये जो है एक हेवन ऑफ क्वाइटनेस है 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 ऐसा कहते हैं हैं कौन ऑथर कि कि ऐसे लगता बिल्कुल इसके आसपास में क्या है? बिजी स्ट्रीट्स बहुत शोर शराबा है बहुत ज्यादा लोग हैं बट जैसे ही अब यहां पहुंचते हो बौधनाथ में आपको एक शांति का एहसास होता है देर इज समथिंग जैसे आप कह सकते हो कामनेस या क्वाइटनेस एंड इट्स लाइक हेवन ऑफ क्वाइटनेस एज पर ऑथर तो अब वो बौद्धनाथ तू चुके हैं और उसके बारे में उन्होंने इतना डिस्क्रिप्शन दिया है क्लियर ऑल राइट काठमांडू इज विविड मर्सीनरी रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर अडोन डेटीज अलोंग द नेरोस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट्स तो यहाँ पे वो बात कर चुके हैं दो टेम्पल्स के बारे में पशुपतिनाथ और बौद्धनाथ टू अब ओवरऑल वो काठमांडू के बारे में क्या सोचते हैं वो अब हमें बता रहे हैं तो ऑथर कहते हैं कि काठमांडू क्या है विविड है बहुत डिटेल्ड है बहुत ही अलग ही जगह है जहाँ पे आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी इट्स मर्सीनरी इट्स रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लार अडोन्ड डेटीज बहुत ही ज्यादा रिलीजियस प्लेस है आपको हर जगह क्या दिख जाएंगे आपको श्राइन्स दिख जाएंगे छोटे छोटे आपको मंदिर दिख जाएंगे जहां पर आप जाके पूजा कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डेटीज हैं उनकी मूर्तियां रखी हैं गॉड एंड गॉडेसेस की वहां जाके आप यू you नो know, पूजा पाठ कर सकते हो और यहाँ फ्लार अडोड यानी बहुत अच्छे से फ्लार से डेकोरेटेड होती है हर कोई जाता है तो फ्लार्स जो है वो भेंट करता है इन आइडियल्स पे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट श्राइन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे अलॉन्ग द नैरोस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट्स अब यहाँ पर जो स्ट्रीट्स हैं जो सड़कें हैं वो बहुत नैरो हैं यानी कि वाइड नहीं है वो सिकड़ी हुई है, और चोड़ी -चोड़ी हैं और बहुत छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं और क्राउडेड हैं बहुत सारे लोग आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे विथ फ्रूट सेलर्स अब क्यों है ये बिजी स्ट्रीट या बहुत क्राउडेड क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज आपको मिलेगी जैसे आपको डिफरेंट फ्रूट सेलर्स दिख जाएंगे यानी कि जो फ्रूट सेल कर रहे हैं फ्लूट सेलर्स यानी बाँसुरी वाले बहुत दिख जाएंगे आपको जो वहाँ पर फ्लूट या बासुरी सेल कर रहे हैं हॉकर्स ऑफ पोस्ट पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पोस्ट कार्ड जो होते हैं वो भी वो भी बेचते हैं तो हॉकर यानी कि जो कि यू नो सेलर्स होते हैं हैं आवाज लगा लगा के बोलते हैं, आके पोस्ट कार्ड ले लीजिए वो हॉकर्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट कार्ड सेल कर रहे हैं शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स और जो कि वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स यानी कि जो बाहर से आ रही है ना जो हम बोलते हैं कि फॉरिन से आई हुई है ये सारे डिफरेंट मेकअप प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स इन सबकी भी शॉप्स आपको दिख जाएंगी फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट फिल्म रोल्स जो होती हैं वो भी दिख जाएंगी, sort of, अगर आपके पास कैमरा है यू हैव कम टू क्लिक द और आपके पास रोल खत्म हो गई है तो आप खरीद सकते हो देन चॉकलेट्स वगैरह खाने की चीजें भी यहाँ पर बहुत मिल जाएंगी कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपलीज एंटीक्स और आपको कॉपर के यूटेंसिल्स मिल जाएंगे वहां पर एंड ऑल्सो बोला गया है नेपलीज एंटीक्स यानी कि जो नेपाल के डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीजें हैं जो हिस्ट्री बताते हैं वो डिफरेंट एंटीक चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे तो वो ये ओवरऑल कह रहे हैं कि काठमांड जो है बहुत ही बढ़िया जगह है बहुत डिटेल्ड जगह है और यहां आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों के सेलर्स यहां पे मौजूद है क्लियर ऑल राइट right.

वेंडर शाउट आउट देयर दे और जो दुकानदार हैं जो अपनी चीजें बेच रहे हैं उनकी आवाज अलग आ रही है कि ये ले लो यहाँ पे ये ले लो तो बहुत ज्यादा साउंड है तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा है इन स्ट्रीट्स में आई सेल्फ माइंडलेसली अब ये जो विक्रम सेठ वो बोलते हैं कि अब मैंने अपने आप को यहाँ पे इंडल्स कर लिया है बिल्कुल बिना सोचे समझे मैं कुछ सोच नहीं रहा हूं और मैं यहाँ पर इंडल्ज हो रहा हूँ एंड आई बाय अ बार ऑफ मर्जीपान अब कुछ खाने के लिए इन्होंने खरीदा है वो क्या है मर्जी पान ये क्या होता है स्वीट मेड विद ग्रेटेड आलमंड जो बादाम जो तो ऑलमेंट्स होते हैं उसको ग्रेट कर कर कोई स्वीट बनती है वो स्वीट इन्होंने खरीद लिया तो सॉर्ट ऑफ अब ये अपने आप को अडैप्ट कर रहे हैं और इन्होंने शॉप करना भी स्टार्ट कर दिया सो ही बॉट दिस स्वीट अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन चारकोल ब्रेज़ियर ऑन द पेवमेंट अब जो है ये दूसरी चीज क्या खरीदते हैं एक कौन खरीदते हैं भुट्टा खरीदते हैं तो हम भी देखते हैं कि ज्यादातर शॉप्स पे आपको कौन कैसे मिलता है एक ठेला होता है काट होती है वुडन काट उस पर एक कोई चाकोल मशीन होती है इसमें कोयला डाला होता है उसमें वो सेक के देते हैं ठीक है फिर क्या करते हैं दे टेक अ लेमन और फिर वो सॉल्ट और चिली पाउडर में डिप करके उसको पूरा रब करते हैं आई नो बहुत से लोगों का भी खाने का मन हो रहा होगा जिनको बहुत पसंद होता है कौन बट ठीक है कंट्रोल इस सेशन के बाद खाना तो यहाँ पे वही चीज है कि बहुत से लोगों को यू नो ये समझ आ रहा है जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं ये एक ओपन स्टोव होता है जिसपे एक कॉर्न रखकर यू you नो know, जिस तरीके से सेका जाता है और फिर लेमन लेते हैं चिली सॉल्ट पाउडर उसमें डिप करते हैं और उसको क्या करते हैं रब करते हैं तो उन्होंने ये भी एक चीज खरीदी है उडर एंड लेमन अफ लव स्टोरी कॉमिक्स एंड खाने के लिए तो खरीदा ही है बट अब इनको कुछ पढ़ना भी है भाई ये राइटर है तो ऑब्वियसली रीडिंग इज समथिंग जिनको बहुत पसंद है तो वो क्या खरीदते हैं कुछ लव स्टोरी कॉमिक्स खरीदते हैं और रीडर्स डाइजेस्ट जो की मैगजीन होती है इतनी शोट सी मैगजीन आती है वो भी वो खरीदते हैं ताकि वो उसको पढ़े All this I wash down with Coca Cola and a nauseating orange drink and feel much the better for it. अभी इतना सब कुछ खा लिया ना उन्होंने, तो बोलते मैंने सब ये सब कुछ खाकर उसको wash कर लिया है किससे? क्योंकि उन्होंने drink पी ली है वो क्या है Coca Cola, जो कि क्या है soft drink and a nauseating. Nauseating means sickening. ऑरेंज ड्रिंक ऐसी ऑरेंज ड्रिंक थी जिससे कि बीमार बीमार फील हो रहा है नोज में अजीब सान होता है अगर आप ऐसी पीते हो तो वैसा कुछ वो खरीदते हैं टू वॉश डाउन ऑल दैट जो भी उन्होंने खाया है एंड फील मच द बेटर फॉर इट और अब उनको बहुत अच्छा लग रहा है तो उन्होंने कुछ खा भी लिया है पढ़ने के लिए कुछ खरीद भी लिया है और कुछ ड्रिंक्स भी ले लिया है क्लियर ऑल राइट सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ़ द स्टोरी यानी कि विक्रम सेठ जो हैं जो दो टेम्पल्स विजिट करते हैं बौद्धनाथ स्तूप एंड पशुपतिनाथ नाथ वहाँ पर जो भी सीनारियो है जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है वो हमें देखने को मिला है एंड ऑल्सो फाइनली अब उन्होंने कुछ खा भी लिया है ही हैज बॉट समथिंग टू रीड नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी नीड टू सी द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी कि एग्जैक्टली अब क्या होने वाला है आगे क्या वो और भी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे अबाउट डिफरेंट थिंग्स या हॉकर्स या फिर वहाँ की किसी प्लेस के बारे में And will he leave and go to some other place now? So every answer of all these questions we'll get to know in the next video where we'll discuss the remaining part of the story. And also, if you have doubts related to any video of any subject from class 4th to 12th, you can definitely go and visit Magnet Brain's channel because there you get 100% free class 4th to 12th online school education. So you have no doubt ho for free a no beautiful explanation. So go and check out the video respect जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड इन द नेक्स्ट वीडियो वील मीट वेरी सून विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय